हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट्स। आज हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए देश में पहली बार शुरू हुआ है एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर। तो क्या है ये टोल फ्री नंबर और क्या ज़रूरत थी इस टोल फ्री नंबर को जारी करने की, क्या क्या नीड्स थी जिनकी वजह से ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द एल्डर लाइन, द फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन। हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एल्डर लाइन यानी कि पहला पैन इंडिया का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए यहां पर जारी किया गया है। ये जारी किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो कि 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, तो उस अवसर पर यहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अर्लियर स्टेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च। इसके पहले सेज इनिशिएटिव यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट पर्टिकुलरली ऑन पेंशन, मेडिकल एंड लीगल इश्यूज बिसाइड्स इमीडिएट असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अब्यूज। यहाँ पर ये जो टोल फ्री नंबर है ये इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सीनियर सिटीजन्स को, जैसे कि उन्हें पेंशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, लीगल इश्यूज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। उनकी इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये टोल फ्री नंबर सीनियर सिटीजन्स के लिए जारी किया है। इट इज़ डिवाइस टू प्रोवाइड ऑल सीनियर सिटीजन्स और देयर वेलविशर्स विथ वन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री to connect and share their concern and get information and guidance on problem that they face on day-to-day basis. यहाँ पर सीनियर सिटीजन और अन्य कई लोग यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें कई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है पर कुछ कारण से उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन्हें ऐसे लोगों से कनेक्ट करेगा जो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उन्हें दिन प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें दिया जाएगा। अब इस टोल फ्री नंबर की ज़रूरत क्या थी वैसे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इंडिया विल हैव ओवर 319 मिलियन एल्डरली by 2050 compared to the 120 million now. अब यहाँ पर longitudinal aging study of India के द्वारा ये जो सर्वे किया गया था उससे ये पता चला है कि 2050 तक इंडिया में 319 मिलियन एल्डर लोग होंगे यानी सीनियर सिटीजन होंगे और अभी है 120 मिलियन, तो यहाँ पर जो रेशो है ये बढ़ जाएगा। अब इसकी ज़रूरत को देखते हुए द सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन फेसेस सेवरल चैलेंजेस सच एज मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल एंड लीगल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन कई बार कई ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिनके सॉल्यूशंस भी वो नहीं निकाल पाते और उनके पास कई बार जानकारी भी नहीं होती क्योंकि वो रूरल एरियाज से होते हैं, इसलिए भी उन्हें कई बार इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल और लीगल ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स फेस करते हैं। COVID-19 पेंडेमिक के चलते तो सीनियर सिटीजन ने बहुत सी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं और वो भी उन लोगों ने जो कि अकेले रहते हैं या अकेले ही हैं, तो इसीलिए उनके लिए तो ज़रूरत है इस टोल फ्री नंबर की और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं, अकेले भी रहते हैं और उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि या तो वो विलेज से रिलेटेड है या फिर वो इतने एजुकेटेड नहीं है। आजकल की जो एजुकेटेड जनरेशन है या सीनियर सिटीजन है जो कि एजुकेटेड है उन्हें तो सब तरह का नॉलेज होता है, पर कुछ ऐसे रूरल प्लेस के लोग भी होते हैं जिन्हें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत
होती है, और ये टोल फ्री नंबर जो है ये उन्हें वही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अदर इनिशिएटिव रिलेटेड टू एल्डरली, अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को लेकर पहले भी कई इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वयोश्रेष्ठ सम्मान, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी जारी किया गया था 2007 में, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स की केयर करेंगे। अब यहाँ पर एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंटीन्यूअस है, इरिवर्सिबल है और एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो कि बर्थ से स्टार्ट होती है और डेथ पे जाकर ही एंड होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी की एज बढ़ती है, और लास्ट मोमेंट पे एक सीनियर सिटीजन 60+ एज वालों को सीनियर सिटीजन कह दिया जाता है। तो एजिंग तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कि समय के साथ आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर जो लोग अकेले हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। द एज एट विच वंस प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन एंड वन ट्रेंड्स टू बी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन प्रोबेबली बी ट्रीटेड एज द ऑनसेट ऑफ द एज स्टेज ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पर आकर कुछ लोग दूसरों पर आश्रित भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अब वो दूसरों पर आश्रित भी हो गए हैं। दूसरी बात, उनका फिजिकल मेंटेनेंस भी इतना अच्छा नहीं है, तो भी वो दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर वो टोल फ्री नंबर्स उन सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट करेगा जिन्हें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, पेंशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, मेडिकल इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, लीगल इशू, तो यहाँ पर उन सभी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।